तो यार एयरपोर्ट पे तो काफ़ी सारे लॉन्जेस देखे होंगे, लेकिन अब रेलवे स्टेशन्स पे भी IRCTC ने एग्जीक्यूटिव लॉन्जेस वगैरह चालू कर दिए हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, इसमें आप 2 रुपये या फिर 25 रुपये अगर आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप एलिजिबल हो तो उससे फ्री में एंट्री मिल जाएगी, जिसके अंदर आप 3 घंटे आप इजीली रेस्ट कर सकते हैं। आपको अंदर रिक्लाइनर्स मिल जाएंगे, अंदर AC लगाए, साथ ही आपको लंच वगैरह और बफेट वगैरह भी, आप खाना वगैरह भी, चाय कॉफ़ी वगैरह भी आपको ईजिली मिल जाएगी। तो यार ये काफ़ी प्रीमियम सर्विसेज अब रेलवेज़ भी अब इन पर ध्यान दे रहा है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका कार्ड वगैरह या फिर उसमें फ्री एंट्री वाला वर्क नहीं करता है तो चार्जेज है नॉमिनल से 155 रुपये या फिर 200 रुपये, 250 रुपये मैक्सिमम इसके चार्जेस। आप 200-250 रुपये खर्च करके आराम से आपका 2 या 3 घंटे का टाइम IRCTC के इन लॉन्जेस में आप स्पेयर कर सकते हैं, सो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। आपका अगर ट्रेन में कनेक्टिविटी में अगर डिले है या फिर आप जल्दी स्टेशन आ चुके, तो यार ये भी बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि अब ये सब सुविधा आपको इंडियन रेलवेज में भी देखने को मिलेगी। टॉयलेट्स भी इनके काफ़ी ज़्यादा साफ़ है और मतलब आप यहाँ पे नाव वगैरह के तैयार वैयार भी हो सकते हैं, आपका आगे वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही IRCTC के फूड स्टॉल्स भी आजकल मैक्सिमम हर रेलवे स्टेशन पे देखने को मिल सकते हैं। तो यार यहाँ भी फूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और देखने में काफ़ी ज़्यादा फ्रेश वगैरह लगता है, और एक हाँ अच्छा हाइजीन इंडिया में प्रॉपर मेंटेन कर रखा है, और एक काफ़ी प्रीमियम सर्विसेज IRCTC आजकल बड़े बड़े जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर चालू कर चुका है। ये